आधार से छापेमारी करके नजायज़ शराब दीयां 14 पेटियां बरामद कीतियां गईयां ने। 14 पेटियां नजायज़ शराब एक घर दे विचों बरामद हुई है। साइंस विभाग ते पुलिस की सांझी टीम दे वल्लों छापेमारी की गई है। स्वागत है प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा, मैं हाँ सरवीर कौर। खबर बटाला तो सामने आ रही है जिथे एक्साइज विभाग की टीम के वलों गुप्त सूचना के आधार से छापेमारी करके नजायज़ शराब दीयां 14 पेटियां बरामद की गई ने। पुलिस की मदद ली गई है एक्साइज विभाग की टीम के वलों। एक्साइज विभाग ते पुलिस की सांझी टीम के वलों छापेमारी की गई है। 14 पेटियां नजायज़ शराब एक घर के विचों बरामद हुई है ते एक व्यक्ति ते केस दर्ज कर लिया गया। बटाला दे विच नजायज़ शराब का कारोबार आए दिन वधदा ही जा रहा है, जिसनों रोकण दे लई एक्साइज विभाग की उच्च पदरी टीम दे वलों देर शाम पिंड बरियार दे विच गुप्त सूचना के आधार से वड्डी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस के नाल मिलके एक घर चो तलाशी ली गई। करीब 168 बोतल 14 पेटियां नजायज़ शराब है जिहड़ी ओह बरामद की गई है। इस शराब नूं इस घर दे विच बोरियां च लुको के रखा गया सी। आबाकारी विभाग के वलों नजायज़ शराब नूं कब्जे विच लैके एक नौजवान के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। ये सानू एक मुखबर तो इतलाह मिली सी वी उह सावनजीत सिंह पिंड बरियार जिहड़ा चोरी छुपे जिहड़ा हैगा लोगों नूं शराब बेचण दा काम करदा है, जिहदे नाल ठेकेदारां नूं बड़ा नुकसान हो रहा सी। इस करके अज असी उहदे घर रेड कीती है ते रेड करन दौरान उहदे पेटी दे विच अपने ट्रंक दे विच जिहड़ी चार बोरियां दे विच करीब 14 पेटियां दे करीब जिहड़ी इह शराब बरामद हुई जिहदा मारका कैश पर सेल इन पंजाब सी। एक्साइज विभाग ते पुलिस दे वल्लों कीती गई रेड दे दौरान इस वेले ईटीओ अफसरां ने कहा है कि उन्होंने गुप्त सूचना मिली सी, जिस दे आधार ते पिंड बरियार दे विच उन्होंने वल्लों छापेमारी की गई है ते नजायज़ शराब वेचण वाले एक व्यक्ति ते केस दर्ज किया गया। उन्हां दी पूरी टीम पहला पिंड दे विच पहुंची है, एक फर्जी गाहक बना के शराब खरीदने के लिए उस घर दे विच भेजा गया ते तुरंत बाद छापेमारी की गई है। अज मुखरी आधार से पिंड बरियार जी थाना घुमाउंदे रेड किया गया जी, जिदे 168 बोलना 14 पेटियां शराब फड़ी गई। मारका कैश है जी, ये बनी हुई है जीरे की जी मालबरो की, वो बंदे इतने परचा दर्ज करा दें। पुलिस के वलों घर के सारे कमरों की तलाशी ली गई है ते तलाशी के दौरान 14 पेटियां ने जड़ियां वो बरामद हुई ने। बोरिया के लुको के रखी गई सी शराब, जिसनों काले धंधे के रूप के वेचा जा रहा सी। पूरे पिंड इलाके वेचा जा रहा सी ते गुप्त सूचना मिली सी पुलिस नूं इस शराब की, जिस तों बाद कार्रवाई की गई है। एक्साइज विभाग की टीम के वलों कार्रवाई की गई है। उदे ही शराब के जिहड़े ठेकेदार ने, उस ठेकेदार का कहना है कि इस तरह के कारोबार के नाल जिहड़ा साडा कारोबार है वह भी ठप्प हुंदा है, एक काला धंधा करते हैं नजायज़ शराब कढ़न वाले, पर इस दे नाल असीं भी बदनाम हो रहे हैं। की कहना ठेकेदार का, आओ सुनाउंदे हां तुहानूं। अज मानयोग सहायक आबकारी कमिश्नर मैडम राजविंदर कौर बाजवा जी ने अपनी टीम च आबकारी अफसर रजिंदर तनवर जी, एक्साइज इंस्पैक्टर सुरेंद्र कालो जी, अजय शर्मा जी, सुखबीर जी नूं एक स्पैशल टीम बना के पिंड बरियाड़ विखे रेड किया। उहदे विच उत्थों कोई सावनजीत है जी, सावनजीत साना बलवंत सिंह, उसके घरों रेड दौरान 168 बोतल कैश विस्की बरामद हुई। सरकारी चूना बहुत हाई लैवल से लगता जी, ये ठेके तो जी 130-350 रुपए की बोतल सेल होंगी है। ये नजायजी बाहरों जी दो नंबर से लिया के तो साढ़े ठेके सेलां खराब कर देंगे जी। ये बंदा जो सावनजीत है जी, जो पुलिस पार्टी ने वेख के मौके तो फरार हो गया जी। बटाला की खबर है जिथे एक्साइज विभाग की टीम के वलों पुलिस के नाल मिल के एक घर के छापेमारी की गई है। पहला एक फर्जी गाहक नूं बना के उस घर के भेजा गया सी ते उस तो बाद तुरंत बाद ही एक्शन लिया गया। गिरफ्तारी हुई है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है ते उसते केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई है जिहड़ी पुलिस के वलों शुरू कर दी गई है। होर जानकारी दे लई जुड़े रहो प्रो पंजाब टीवी दे नाल।